असलम वेलकम बैक टू माय चैनल मैं इरम जहरा करबलाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने नए चैनल लर्न पर्शियन के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आपकी मोहब्बतों की आपके खलूस की नहायत ही शक्र गुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की तो चलिए चलते हैं हरूफ तहजी की इजाजत जिसका लेसन नंबर सिक्स पार्ट थ्री मुश्तमिल है दाल जाल रे जे और जे से बनने वाले अल्फाज पर दाल दा, दे दो दा दी दू। दाल के चंद अशकाल हैं कि दाल कभी लफ्ज़ के शुरू में कभी दरमियान और कभी अलफाज के आखिर में आता है दस, दर द दारू दे, 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 दी, दीवार दीस, दो दुग्थर डॉल्फिन, दू दु, दूरबीन दूध जाल जा, जे, जो जा ज़ी ज़ू जाल की तीन अशकाल है कभी लफ्ज़ के शुरू दरमिन् और कभी आखिर में आता है ज़ा ज़रेबिन गुज़र नौ में जा, जा आज़ान कज़ा जे ज़ेखर जेब ज़ी हजे लजीज़ ज़ो ज़ोरे जु, ज़ू ज़ू जन रे रा, रे रो रो री रू रे तीन अशकाल पे मुश्तमिल कभी लफ्ज़ के शुरू कभी लफ्ज़ के दरमियान और कभी लफ्ज़ के आखिर में आता है

रूज़ नाओ में जे जा जे ज़ो जा जी ज़ू जे तीन अश्काल पर मुश्तमिल लफ्स के शुरू दरमियान और कभी आखिर में आता है ज़ा ज़बान जराफ़े जा ज़ानू जा, जानू ज़ाक, जे زندان زمستان زی زیب زین زو زباله زغال زو زودپز بازو ژ جا ژ جو جا جی جو जे तीन अश्काल पे मुश्तमिल कभी लफ्ज़ के शुरू दरमियान और कभी आखिर में आता है जा, ज़ार्फ जा, जॉकेत जापान, जे जेले रजे जी जिमनास्थिक मौजिक जो ज़ोरजात जु जुलीदे रोन फ़ारसी में हर ज़ुबान के तरह सलाम के भी अवात होते हैं जैसे सुबह के लिए सुब ब़ैर दिन के लिए ज़ुहर ब़ैर शाम के लिए आश्र ब़ैर और रात के लिए शब ब जब आपको कोई कहे सुबह ख़ैर, तो जवाबन कहें सुबह शुमा हम बखैर यानी आपकी भी सुबह अच्छी गुजरे यही जवाब जोहर असर और शब के लिए भी होगा गु। सलाम सलाम आखिर में एक छोटा सा पैगाम हमने देखा है कि जब बड़ी लकड़ियों को जलाना होता है तो उसके लिए छोटी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और उनके ज़रिए बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है इसी तरह बड़े गुनाह या गुनाहान कबीरा भी होते हैं जिनकी शुरुआत छोटे छोटे गुनाहों से हुआ करती है यही वजह है कि कुरने करीम ने छोटे अमाल को भी अहम समझते हुए उनके अंजाम की जानब हमें है इरशाद होता है फमई अमल मिस अर्रत खैर एक ज़र्रा के बराबर भी हम कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा हमें कयामत में नज़र आएगा इसलिए बुराई अगरचे छोटी ही क्यों ना हो उसके अनजाम में हमें रूबरू होना है